रिजॉर्ट जी, तो इनकम टैक्स में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, काफी उसके बारे में बातें हो गई अब तो, पर्संस के बारे में, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, एक्सेप्शंस आपने पढ़ी थी, 5 पॉइंट्स हैं जिसका टैक्स हमें प्रीवियस ईयर ही देना पड़ता है, नॉट इन द असेसमेंट ईयर। मेन चीज आपने पढ़ी थी स्लैब रेट्स, अगर आपको याद हो, स्लैब रेट्स थी फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AGP के लिए, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, मेल और फीमेल, कोई एज लेस देन 60, ये बोलिए लेस देन 60, 60 भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो उस केस में अलग अलग लिमिट्स थी, आपको याद है। नेक्स्ट था फिर सीनियर सिटीजन 60 एज, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, रेजिडेंट के लिए, ये मेन चीज आ रही है आपको, रेजिडेंट एंड किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, डन सर। 60 और मोर एग्जैक्ट या लेस देन 80, लेस देन 80, 80 अगर एज है या ज्यादा है तो सुपर सीनियर सिटीजन, वो डन हो गया था हमारा। ब्रेक पॉइंट था बीच में रिबेट 87 ए का, सर हाँ जी रिबेट पड़ा था, वहां तीन कंडीशन है, एक्सेप्शन नंबर 1 इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, एज का चक्कर नहीं, इंडिविजुअल या रेजिडेंट, इनकम एग्जैक्ट या लेस देन इक्वल टू 5 लाख। सर आपने यहाँ इनकम कौन सी बताई है, कोई एक हेड की है? नहीं, सारे हेड्स की है, सब कुछ मिला के। सर कोई डिडक्शन देने के बाद एवरीथिंग, मतलब समझो पूरा इनकम टैक्स पढ़ने के बाद जो इनकम बचेगी, डिडक्शन एक चैप्टर है हमारे पास जिसकी मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में छोटी सी बात की थी, 80 से स्टार्ट है वो, 80C पहला सेक्शन है वो, 80C, सी से में रखते हैं बड़ा कॉमन जो हर बंदे का होता है, जैसे LIC, सुकन्या समृद्धि स्कीम, FD करा लो 5 साल के लिए, होम लोन, तो बड़े कई फॉलोइंग फीचर्स हैं जो एक आम नॉर्मल फैमिली मैन लगा लो, सैलरी वाले के लगा लो, होती होते हैं, LIC तो ली होती है मोस्ट लोगों ने, या कोई पेंशन स्कीम ली होती है, या कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, आजकल तो बड़ा चल रहा है म्यूचुअल फंड्स, कहीं ना कहीं कुछ भी अमाउंट 15-20 हज़ार, जब मैंने आपको बताया था प्रोविडेंट फंड, अरे याद हो आपको, स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अलग तरह की चीजें हैं जहां पैसा आप इन्वेस्ट करें। 80D एक सेक्शन है, 80D याद करने का तरीका हमने रखा हुआ है, डी से डिसीज, डी से डिसीज बीमारी, बीमारी को कवर करने के लिए आप क्या लेंगे, इंश्योरेंस, हेल्थ टर्म नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल पॉलिसी बोलते हैं कुछ लोग उसको, मेडिक्लेम पॉलिसी बोलते हैं कुछ बच्चे उसको, हम हेल्थ इंश्योरेंस बोल देते हैं, ठीक है ना। हेल्थ इंश्योरेंस में जो भी आप अपने परिवार का 25 से 30 हज़ार, मैं अपने का 15 हज़ार पे करता हूँ, मेरे मदर फादर 25 हज़ार पे करते हैं, धीरज अपना 8-10 हज़ार पे करता है, ड्यू टू फैमिली में वहाँ कंडीशन है कि कौन कौन कवर होगा, डिपेंडेंट रिलेटिव, अब मैं तो हूँ, मेरे डिपेंडेंट कौन हो गए, अगर माता पिता डिपेंडेंट है पर मेरे में कवर नहीं होते क्योंकि वो खुद अपनी ITR भरते हैं, वो खुद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो वो मेरे डेफिनेशन में कवर नहीं हुए, वरना हो जाते। ब्रदर कवर नहीं होता, मेरे डेफिनेशन में हो जाता, जबकि ब्रदर सिस्टर मदर फादर चार लोग हैं आपकी रिश्तेदारी में, इस पर्पज के लिए, वैसे रिश्तेदारी बहुत बढ़िया है पर इस पर्पज के लिए रिश्तेदार हम 4 ही मानते हैं, वो भी डिपेंडेंट, डिपेंडेंट जो आपके ऊपर। सर ये कैसे परिभाषा है, कैसे पता चलेगा वो डिपेंडेंट है नहीं है, हमने ज्यादा चक्कर ही नहीं डाला युवराज, सिंपल कहा अगर वो रिटर्न भरता है तो इंडिपेंडेंट है, वो खुद तो कहता है सरकार को रिटर्न भरने का मतलब क्या, मेरी इतनी इनकम है तो डिपेंडेंट कहां से हो गया भाई, तो खुद अपने पैसे कमाता है, तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता फिर, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट एक नया सेक्शन था, अगर इसको याद हो, 115 BAC, बड़ा नाम था, 115 BAC, जिसको हमने नाम दिया था मनिक न्यू रिजीम, न्यू टैक्स चेंज। सर ये क्या चीज है, पहली बात अक्षय, ये सिर्फ 2 लोगों के लिए, सबके लिए है ही नहीं। सर आप तो बड़े नाम गिना रहे थे, UP, POI, नहीं नहीं यहाँ सिर्फ 2 ही लोग हैं विराज, इंडिविजुअल एंड HUF। बड़े एक मजेदार चीज बता दूं आपको, आज भी यहाँ पे एक लूप होल है, किस चीज के बारे में लूप होल समझते हैं, कमी, जिसका फायदा ले सकते हैं हम लोग, क्या आज भी हमें आयुष ये नहीं बताया कि रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, ये आज भी लॉ में नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। अब आप क्या सोचेंगे, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, तो हमें कहते हैं सर दोनों ही, जब तक नहीं लिखा हुआ, नहीं हर जगह मैंने स्पेशली क्या बोला, रेजिडेंट, इंडिविजुअल, एज पूरा बोला मैंने, यहाँ लिखा ही नहीं हुआ, आपको मैं लॉ में दिखाऊंगा, यहाँ सिर्फ क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल HUF। तो कहते हैं हम भी ओपन गेम खेलते हैं, कोई भी आ जाओ, तो उसके लिए लिमिट क्या थी, 0 से 2.5 तो सबके लिए माफ है, 2.5 से 5 वही 5 है, यहाँ 5 से सीधा 10 नहीं है, 7.5 है, और रेट भी 5% बढ़ाते गए 15 तक, 15 के ऊपर 30 है। सरकार आप बच्चे के मन में आता है सर फिर तो फायदा है, देखो बच्चा एक इनडायरेक्टली सोचे बेनिफिट तो है। आपको मैं अभी टॉपिक से क्वेश्चन कराऊंगा कि आप कैलकुलेट करके दीजिए मुझे टैक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सेक्शन, आपको बड़ा अजीब लगेगा, सर बड़ा फर्क है जी, कम से कम 25-25, 30-30 हज़ार रुपए का फर्क है, फिर क्यों नहीं लोग लेते, लोग इसलिए नहीं लेते, वहां सरकार ने जाने से कुछ कंडीशनें लगाई हैं,
अगर आप इस सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ नहीं जा सकते। देखो दो चीज होंगी ना सर, यानी मैं न्यू स्कीम भी ले लू, कुछ ओल्ड के बेनिफिट भी नहीं। तो सरकार ने कुछ वर्ड होता है एग्जम्पशन, वो छीन ली आपसे, ये इस सेक्शन में जाओगे तो ये एग्जम्प्ट था, अब नहीं होगा। डिडक्शन, मैं कहा मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं बेटी के नाम पे प्रोविडेंट फंड में, LIC कराई है, नहीं सर कराई होगी बुरा ना मानिए, उसकी हम कोई डिडक्शन नहीं देंगे। मान लो मेरी इनकम 8 लाख थी, 8 लाख में अक्षित मैंने 150 कर दिया इन्वेस्ट, तो मेरी इनकम ही कितनी बची मानी 650, कहीं 650 पे टैक्स निकालना। पर जब मैं न्यू सेक्शन में गया मुझे कहते आपकी इनकम कितनी है, मैं क्या 650, कहते डिडक्शन छोड़ दो, तो 8 लाख वही इनकम बढ़ गई, जहां टैक्स रेट कम है वहां इनकम बढ़ गई। तो आप बड़ा सोच समझ के फैसला लेंगे, बट एक इंडिविजुअल अचीव के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अक्षित क्या है, उनको हम फोर्स नहीं करेंगे, ऑप्शन है, इट्स ऑप्शन वेदर गो फॉर न्यू स्कीम वेदर गो फॉर ओल्ड स्कीम। आप कहते हैं सर मान लीजिए इस साल अभी जो टैक्स भरूंगा मैं, मेरा मन कर गया चल न्यू स्कीम में भरते हैं, मुझे बेनिफिट दिख रहा था मैंने भर दिया, क्या मैं अगले साल दोबारा ओल्ड स्कीम में आ सकता हूँ? बिल्कुल, सिर्फ किसके लिए, इंडिविजुअल अचीव, सिंपल। बट उसमें कंडीशन है, थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, क्या वो जो पर्सन इंडिविजुअल अचीव है वो बिजनेस ना करता हो, वो क्या ना करता हो बिजनेस, जैसे मेरे जैसा बंदा है मैं फंस जाऊंगा। अगर मैं चाहता हूं कि न्यू स्कीम में जाऊं फिर मैं दोबारा इधर ओल्ड स्कीम में एंट्री नहीं ले पाऊंगा 5 साल तक, 5 साल तक। ये सरकार ने बड़ा पॉइंट रखा हुआ है। तो हमने कहा सैलरी वाले लोग सो सकते हैं, जिनकी हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेम है, अदर सोर्स है, वो सो सकते हैं कभी इधर कभी उधर। अब जो बिजनेस वाले लोग हैं वो नहीं, वो बड़ा सोच समझ के उधर जाएं, अगर वो चले गए इधर इंटीग्रेट प्रोफेशन जी सारे जी, बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजी भी बोल दिया हमने वहां पे। तो ये सरकार ने कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। बट अच्छी बात ये है युवराज, अभी तक पेपर में इसका कोई क्वेश्चन अभी तक, मतलब आज की स्कीम नहीं है, ये 2 साल तो हमें हो गए, 2 अटेम्प्ट 2 साल मतलब 4 अटेम्प्ट तो हमें हो गए, साफ लिखा होता है क्वेश्चन के नीचे अज्यूम एसएससी डज नॉट ऑप्ट न्यू जी। आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसको सोचना थोड़ा डिफरेंट वे से है, इसको सोचना ये तो रटी चुका हम 95% में ये पढ़ते हैं 5% वो पढ़ते हैं, तो या तो वही रहेगा जो ज्यादा पढ़ा हुआ है, ये चीज है। ठीक, तो आईए का क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है। तो ये रहा जी आपका क्वेश्चन, फटाफट देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन फटाफट, यहाँ पे कोई डाउट मुझे होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, एक बार आप देख लीजिए, ये था, अगर आप देख पा रहे हैं विजिबल है। yes. चलिए टोटल इनकम ऑफ आर, मैं लिख देता हूँ टोटल इनकम ऑफ आर असेसमेंट, ये देखो पेपर में आपका चेंज होगा, ये नहीं होगा, ये तो बहुत पुराना बेचारा, ठीक हो गया, नई बुक्स है 50,90,000। सर एक चीज सुन के याद आई, 50,90,000 ऊपर से मैंने क्या दिखाया आपको, आर, आर मतलब इंडिविजुअल, कोई कंपनी फर्म नहीं है, तो स्लैब रेट दिमाग में उसी लोग के जाए। सर बताया नहीं आपने रेजिडेंट है नॉन है, तो रेजिडेंट बिना चीज चक्कर के क्या मान लो रेजिडेंट, ठीक हो गया। कंप्यूट क्या निकालना है युवराज, टैक्स पेबल निकालिए आर का असेसमेंट ईयर इस साल का, अज्यूम 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 वो न्यू स्कीम में नहीं है। आप कहते चलो कुछ तो फायदा किया आपने मेरा, ठीक है। तो मैंने टैक्स निकालने का एक तरीका बताया था, अगर आपको याद हो कि 50,90,000 हम तो पागल हो जाएंगे लिखते लिखते, नहीं नहीं शॉर्टकट, एज बताई नहीं बताई, तो क्या एज मानिएगा लेस देन 60, हाँ सर लेस देन 60 मैंने मान लिया, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने कहा था एक काम करो 10 लाख के ऊपर, शायद हमने कल ऐसे ही किया था, यहाँ थोड़ा सा मैंने पार्ट बनाया होगा, ये रहा 50,90,000 के दो पार्ट कर लो 10 लाख और 40,90,000, 40,90,000 का तो अक्षय फ्लैट कर देंगे कितना, 30% आपने किया होगा टाइप करके 12,27,000। और 10 लाख के ऊपर हर बच्चे को ऑरली याद है, अगर एज लेस देन 60 है 1,12,500 याद आना चाहिए यार, 1,12,500 कैसे 2.5 लाख माफ है, अगले 2.5 का 5% 12,500, अगले 5 लाख का 21 लाख, तो 1,12,500 दोनों को अक्षय ने ऐड कर दिया 13,39,000 13,39,500 प्लस सरचार्ज। ये कहां से आ गया सर जी, क्यों हमने कहा था इंडिविजुअल है 50 लाख से ऊपर गया, वैसे तो रेट बड़े खतरनाक थे याद है, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक इंक्लूडिंग 3 इनकम 111 आए 112 आए और डिविडेंड। आप कहते हैं हाँ जी याद आया कुछ तो ठीक है, फिर क्या था 1 करोड़ से ऊपर गया 2 करोड़ तक इंक्लूडिंग तीनों इनकम 111 आए 112 आए डिविडेंड। कोई मैं पूछ लेता 111 क्या चीज है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स लिस्टेड, लिस्टेड की बात कर रहा हूं मैं, 112 क्या है इसी का भाई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स लिस्टेड, तो कुछ तो खास होगा ना, लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं तभी स्पेशल लेकर आया। और डिविडेंड तो फिर इसी का भाई है, पैसे लगाओगे तो डिविडेंड भी तो मिलेगा, शेयर्स की बात कर रहे हो, अब डिविडेंड ये देख के थोड़ा लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिविडेंड मिल रही है,
मैं आज कंपनी में पैसा लगा दूं कल डिविडेंड मिल जाए, हमें क्या पता था, सिंपल जी, ठीक है। तो सरचार्ज लगेगा, फिर 2 करोड़ से ऊपर गए 5 करोड़ तक एक्सक्लूडिंग, तीनों इनकम छोड़ दो 25%, फिर 5 करोड़ से ऊपर गए एक्सक्लूडिंग तीनों इनकम 37%, फिर लास्ट पॉइंट ने क्या कहा, इनकम 2 करोड़ से ऊपर गई, बस ऊपर गई, यही 5 तक ऊपर ही गई इंक्लूडिंग तीनों इनकम, तो 15। फिर बच्चे का डाउट आया, मैंने केस स्टडी ली थी अगर आपको याद हो, 8 करोड़ वाली, सर आपका कहने का मतलब फिर तो सरचार्ज फिक्स हो गया, 2 करोड़ से ऊपर इनकम 8 करोड़, 2 से ज्यादा ही तो है, और आप कहोगे सरचार्ज 15 ही लगेगा, नहीं ध्यान दीजिए, हम 8 करोड़ को तोड़ेंगे, इसमें इनकम निकालेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चनों में 4 तरह की इनकम हुई, डिविडेंड 111 है, 112 है, अदर नॉर्मल अदर जो भी। तो मैंने एग्जांपल ये अक्षय किया, 5.5 करोड़ मान लो अदर है, आप कहते ठीक है बात जच रही है, 2.5 करोड़ रुपए तीनों मिला लो, जैसे मिला लो 60-70-80 ला करके कितना बन गया, 112 है, 111 है, और डिविडेंड 2.5 करोड़। करना क्या है सर, पहली बात तो ये मैं इकट्ठे नहीं कर सकता, कारण क्यों सर, सबका टैक्स अलग अलग है, कारण क्यों, डिविडेंड का टैक्स स्लैब रेट है, तो मैं इसको उठा के ले जाऊं, नहीं अलग ही कर ले, क्या दिक्कत है, स्लैब रेट कर लो, 111 पे 15% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वैसे बता रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म पे पहले 1 लाख तक माफ है, उसके ऊपर 10% है बिना किसी किंतु परंतु के, ये तो फैसला बड़ा अजीब हो गया, 5.5 करोड़ तो साफ ही दिख रहा है कितने ऊपर गया, मैं क्या पहले आप टैक्स निकाल लेंगे, पर इस इन तीन इनकम पे जो भी टैक्स लगेगा उस पे जब सरचार्ज ऐड करोगे तो ये ना करना 2.5 करोड़ है या 5 करोड़ से ऊपर है, नहीं 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 सिर्फ 15% मैक्सिमम सरकार कहती पहले इनसे बहुत ज्यादा टैक्स ले लिया, इनसे 15 ले लो, ज्यादा तक ना करो, ठीक है। और इधर 37 क्यों, इनकम कितनी है 5.5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर अदर देन इन तीनों में छोड़ के 37%, तो इसके बाद जाके जो आपका सीन बनेगा। और रिलीफ मार्जिन रिलीफ जो पढ़ रहे हैं आजकल सर, वो हमें कैसे पता चलेगा, पेपर में मैंने टेस्ट लिया, आफ्टर कुछ मंथ्स बाद बच्चों को क्वेश्चन पूरा निकाला, उन्होंने लास्ट में याद ही नहीं रहा उनको मार्जिन रिलीफ भी लगाना, क्यों, पहले दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है, मार्जिनल रिलीफ एकदम से याद ही नहीं आता, और बच्चा और ही कुछ में उलझा होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जहां भी इनकम बड़ी जीप सी 50 लाख 50 हजार 50 लाख 30 हजार, तो आप 2 मिनट रुकेंगे, ये याद रखने वाली बात है, यार 50 लाख कितनी बोल रहा है, 60 हजार, हम शुरू जाते हैं, नहीं 2 मिनट 60 बोल रहा है, तो उसको तो रिलीफ का भी चक्कर पड़ेगा, मैं क्यों 50 लाख से ऊपर जा रहा है, सरचार्ज बच्चे को याद ही नहीं आता, सरचार्ज भी लगाना है, अब सरचार्ज जो आपने लगाया खुद देखो 10% कितना बना, 1,33,950 टोटल बन गया 14,34,50। मैंने सोचा सर एक काम करो, ये तो ठीक है चलो आपने जो कर दिया, अगर मैं इनकम ही 50 लाख कमाता तो 50 लाख के ऊपर मेरा क्या टैक्स बनता, मैं कर लेते हैं आप ऊपर का कितना बना 12,40,000 का, मैंने ये एरो किया हुआ अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे 50 लाख का 10 लाख का, तो आपको बताइए 1,40,000 का 12 टोटल हो गया अक्षय कितना 13,12,513,12,500। आप देखो इस पे आपको मैंने क्या कर दिया, उतना ही अमाउंट ऐड कर दिया जितना अमाउंट मैंने, मेरा क्या था एक्स्ट्रा ऊपर ज्यादा था 90 का 90, 14,2,500 यहाँ सरचार्ज नहीं लगेगा, अभी बताऊंगा, यहाँ था 1473, कौन सा बेटर लग रहा है आपको, 14,2 whichever is lower, ये मैंने उठाया इसके अंदर सेस ऐड किया और खत्म, कोई यहाँ तक डाउट बताइए, डन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें मजा आने वाला, कॉपी ओपन कर लो, आ जाओ, ये हमारा हो गया, मैं टिक कर देता हूँ, ये अपना हो गया, लो सर ये कुछ इसने लिखा हुआ है, टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल राउंड टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ क्या 10 रुपीज, फॉर डिटेल चैप्टर के एंड में लिखा हुआ है, हमने पढ़ लिया था, ठीक है। लो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, मैं आपके सामने रख दूं, ये रहा, करिए शुरू, टोटल इनकम ऑफ आर असेसमेंट ईयर फलाना 1,01,00,000, फिर बताया था गलती ना करना, मैं एक सरचार्ज से बता सकता हूँ दूसरे से नहीं, अब 1,01,00,000 हुआ तो आप और क्रॉस कर गए, अब आप कौन से लिमिट में आ गए 15% वाले पे, अब मैं 15 से बचा सकता हूं पर 10 से नहीं, अब सुनना कैसे, कंप्यूट टैक्स पेबल बाय आर असेसमेंट ईयर, अज्यूम न्यू स्कीम में नहीं है, तो ऊपर टाइप करते हैं अगले पेज पे जाके, यहाँ पे क्या इनकम थी बताइएगा बंदे की, लिखिए टोटल इनकम ऐसे ही है क्या, 1,01,00,000 पार, तो आप इसके भी ऐसे ही कर सकते हैं, एज बताया बताया नहीं, तो 10 लाख एक तरफ कर दिया अक्षय, 91 लाख एक तरफ कर दिया, उसका 30% एक तरफ कर देंगे, इसका आपको पता ही है युवराज कितना आएगा, सही कह रहा हूं, फिक्स है यार, कोई एज बताओगे तो मैं कर दूंगा चेंज, अभी कराऊंगा फिर आप देख लेना, ठीक है। 1,12,591,00,000 का आई थिंक, 27-30 27 लाख
27,30,000 दोनों को अगर आप ऐड करें 28,42,500 इन दोनों को ऐड किया जी मैंने, ठीक है 28,42,000 क्या कह रहे हैं 500 और इनकम 1,01,00,000 है, 1,00,00,000 से ज्यादा है तो प्लस लगाइएगा सरचार्ज। कई बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि सर यहाँ पे भी कोई फर्क है क्या, पहले 10 लगाना है फिर 15, नहीं फिर तो एक ही रेट है, आप 1,00,00,000 से 2,00,00,000 के बीच में आगे तो एक ही रेट है, कितने परसेंट है 15%, तो 28,42,500 इंटू 15% बताइए 426 यही आ रहा जी 426,375 इसका 28,42,500 टोटल आ गया 32,68,875 बाद में राउंड ऑफ कर लेंगे 1,00,00,000 से ऊपर है जी 50,00,000 से 1,00,00,000 तक 1,00,00,000 से 2,00,00,000 तो 1,00,01,00,000 है ना, हाँ 1,00,01,00,000 है, डन हो गया यहाँ तक। फिर दूसरा आपने कहा एक मिनट रुक जाइए, सपोज अगर मेरी इनकम ही कितनी होती सपोज रुपीज 1,00,00,000 होती, मैंने फिर लिख दिया, फिर मैंने वही दो एरो बनाए, एक तरफ क्या बनाया 10,00,000 और एक तरफ क्या बनाया जल्दी बोलना 90,00,000। 10,00,000 का तो आप बेटर जानते हैं 1,12,500 और 90,00,000 का अक्षय 30% कितना हो जाएगा 27,00,000। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 27,00,000 यहाँ तक, ठीक है 27 + 1,12,500 जब हमने टैक्स निकाला 28,12,500। पहले ये हुआ इतना हुआ, अब बच्चा गलती क्या करता है सीधा इनकम जोड़ता है, पहले सरचार्ज तो लगाना ही पड़ेगा, मैं आपको मना नहीं कर सकता पर इनकम पहले 50,00,000 से तो बहुत ऊपर है, आपको 1,00,00,000 और 1,00,00,000 1,00,00,000 से बचा सकता हूं मैं पर यहां थोड़ा बचाऊंगा, तो एक बार तो सरचार्ज लगाना ही पड़ेगा, कौन से वाला 10% वाला 50,00,000 से ऊपर 1,00,00,000 तक, तो यहां लगाइए प्लस सरचार्ज 10% करेंगे तो आई थिंक सो 281,250 बोलो सही है प्लस इनकम, याद है जो ऊपर की एक्स्ट्रा इनकम थी कितने रुपए 1,00,00,000 जो आपने कहा था मैं तो इनकम ही छोड़ने को तैयार हूं, अगर आप इनकम ही छोड़ दें 1,00,00,000 तो 28,12,500 प्लस 1,00,00,000 प्लस 281,250 है क्या 31 लिखिएगा 31,93,750 लिखिएगा 31,93,750 और दोनों में कंपेयर कर लीजिए, ऊपर आ रहा था 32,68 मोटा मोटा देखा जाए 75,000 रुपए का फायदा तो हो ही गया 75,000 के करीब, तो वो 32,68,000 था, ये 31,93,000 है। ये आप उसमें से लोअर चूज करके यहाँ पे 31,93 क्या था 750, तो इनमें से आपने कौन सा चूज किया विच एवर इज लेस, तो 31,93 कितना आ गया अक्षित 750 प्लस इसमें सेस लगा दो हिमा 4% इंटू 4% पॉइंट में तो नहीं आ रहा 127,750 प्लस 31,93,750 33,21,500 तो ये आपका क्वेश्चन था जी, देख लीजिए फटाफट। तो सरचार्ज में गलती मत करना कि बच्चा सोचता है शायद कि मार्जिन रिलीफ कर रहा हूं तो शायद सरचार्ज लगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, एक रेट से बता सकता हूं मैं आपको, मतलब 5% का बेनिफिट कर दिया यार ये समझ लो, कहीं 15% सरचार्ज लगता कहीं 10% लग रहा है, आप देख सकते हैं 15% हमारा कम से कम बन रहा था जाकर के 4,00,000 समथिंग के करीब, कहीं आपका बना फिर वही 281 के करीब, और आगे जाके बटो तो बराबर ही हो जाते हैं, कहीं इसको कंपेयर करो, इसको डिफरेंस निकालना 31,93,50 और इसका, इन दोनों का डिफरेंस चेक करो 32 समथिंग आ रहा है, क्योंकि 32,68
875 माइनस 3193 75 जो भी आ रहा, चलो 130 लगा लो। अब देखा जाए बेनिफिट तो बेनिफिट ही है, 75,000 रुपए का आपको क्या मिल रहा है इनडायरेक्टली बेनिफिट, 75,000 का डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में। देखिए फटाफट, मनी को डाउट हो गया हिमांशु, डन है। लो अगला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, यहां तक मैंने करवा दिया एक बार। ये लो क्या आपका आंसर है अगर इनकम 1,02,00,000 होती इंस्टेड ऑफ 1,01,00,000। फटाफट नाउ जल्दी कॉपी पे शुरू हो जाइए। हाँ जी बोलिए। हाँ नाइन्थ पेज कह रहे हैं आप, नाइन्थ तो बहुत बैग मिलते हैं। हाँ 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 बोलिए नाइन्थ। नाइन्थ पेज पे कहाँ पे है जी? नाइन्थ पेज तो ये है मेरा वाला। अच्छा ऐसे 11th है ये वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये वाला कह रहे हो आप? हाँ 1-2। हाँ जी हाँ जान ली दिया ना आपने, 2-1 है वो, 1-2 था फिर तुमने कहा था ना स्पेशल इनकम, तो यहाँ पे वर्ड आपने दिखानी, यहाँ पे 1-2 के बीच में भी तीनों इनकम होगी तब भी 15 लगेगा, 2-ऊपर इनकम हो जाए और तीनों इनकम हो तब भी 15। ये 15 सारी इनकम पे नहीं है, ये 15 सिर्फ इस वाली इनकम पे, फिर तो आपके अकॉर्डिंग ये पॉइंट कभी आएगा ही नहीं ना। तभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दी थी ये दिखा नहीं, एक मिनट को मैंने एग्जाम्पल स्पेशल ऐसे क्यों दी, अगर आप देख पा रहे हो ये मैंने स्पेशल 2.5 करोड़ क्यों दिया, ये 2-ऊपर भी हो गया और तीनों इनकम होगी वो वाली 111-112 डिफरेंट है, इसके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज 15, जबकि 2-ऊपर है आप तो 25 कहोगे, नहीं नहीं 25 वाला इधर सिस्टम अदर इनकम पे, वो सरकार ने मैक्सिमम पॉइंट दिया कि अगर इंक्लूडिंग चलते हो, इंक्लूडिंग अगर वो तीनों इनकम भी है तो मैक्सिमम 15 सरचार्ज है, बट किस इनकम पे, वो तीन इनकम पे, वो तीन पे। अगर मान ले वो तीन इनकम मिलाकर भी तेरी इनकम 2 करोड़ से कम रहती है फिर तो मैं ज्यादा ले नहीं सकता, तो वैसे ही 15 ही है, अदर इनकम भी 15 है, नॉर्मल पे 15 है इस वाली पे। अगर एक कम मिला करके तू 2 करोड़ से ऊपर चला गया, मतलब 2,10,00,000 ज्यादा दूर ना जाओ, 2,10,00,000 पर ये इनकम मिला करके, सोचने वाली बात हो गई। फिर आप इसमें जब इनकम बाहर निकालेगा कुछ तो होगी 15-20-30 लाख रुपए, उस पर वही 15% मैक्सिमम सरचार्ज, मतलब इन इनकम पे, इन तीन इनकम पे जब भी टैक्स निकालोगे उस पर मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम सरचार्ज 15-10 तो फिर पहले तुझे पता ही है अगर 50,00,000 करोड़ के बीच में हुआ, 2,10,00,000 हाँ मुझे बताओ। हाँ देखो ध्यान से जी, आप मुझे एग्जांपल दो, 2,10,00,000 इनकम बोल रहे हो जी, ठीक है इसमें मुझे तीन इनकम का कुछ भी पार्ट बता दो, कुछ भी बता दो, बताओ कितना मानो, बताओ क्या मानना है, 20-30,40,00,000 क्या मानना है, कुछ मान ले, 30 लाख मान लू, तो ये कितना हुआ राजे 1,80,00,000, ठीक है इस 30 लाख पे तू अपना टैक्स लगाएगा, आप बताओगे ना मुझे शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है डिविडेंड है, कोई शॉर्ट टर्म हुआ तो अलग रेट है, डिविडेंड हुआ अलग रेट है, लॉन्ग टर्म हुआ तो अलग रेट है, जो भी टैक्स आ जाएगा एक चीज डन हो गया, इस पे अलग टैक्स लगाओगे वही स्लैब 10,00,000 के ऊपर 1,70,00,000 उसके ऊपर 30% जो भी आप करोगे, ओवरऑल इनकम तेरी क्या देखी जाएगी, 2 से ज्यादा है, ठीक है ना, इसको भी आ जा, अगर इसका भी मैं चेक करूं 1,80,00,000 कहां आता है, 1 से ज्यादा 2 से, इसके ऊपर भी सरचार्ज क्या आने वाला है और इसके ऊपर भी सरचार्ज क्या आने वाला है 15, वो तो केस ही ऐसा है पर इनकम नहीं चल रही हम लोग, ये पॉइंट है, टैक्स रेट अलग है, इसका टैक्स अलग है उसका टैक्स अलग है, लगा सकता हूँ। अब एक काम करो, ये तो मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ ना, मैं तो आपको प्रूफ कर रहा हूँ, मैं अगर इसको करता मैं इस पे टैक्स लग निकालता, इस पे टैक्स लग निकालता फिर सरचार्ज इकट्ठे लगा देता क्योंकि जो रेट ही कॉमन है, पर जो मेरे वाली एग्जांपल है 37 और 15 कहा कैसे कर दूंगा, वो उसके टैक्स का 37 से टैक्स का 15, इसलिए वो तो जब आपको प्रॉपर क्वेश्चन करवाऊंगा तब पता चलेगा क्या रेट्स है,
अब हम कुछ बात ही नहीं कर रहे उसके अंदर जो 1 करोड़ 1 लाख है, मैंने आपको बताया ही नहीं इसके अंदर कौन सी लॉन्ग टर्म है कौन सी शॉर्ट टर्म है, क्योंकि बताना मुझे कोई दिक्कत नहीं, उससे दिखाने से टैक्स चेंज होगा, फिर आपको मेरा दिमाग जा लगेगा हाँ शॉर्ट टर्म का क्या रेट है क्या है क्यों शॉर्ट टर्म है, तो मैं पंगा ही नहीं लेगा अभी के लिए, दिखाऊंगा एक क्वेश्चन है बुक में 8 नंबर के करीब है तो फायदा नहीं अभी के लिए, डन है। मैं चेक कराता हूँ जी, सब बच्चों ने घर पे किया होगा जी, 1 करोड़ अगर 2 लाख है, देखो करने का तरीका तो मुझे लगता वही था, 10 लाख एक तरफ 92 लाख एक तरफ ऐसे किया, 92 लाख का आपने अक्षय सीधा कर दिया 30%, किसका आपको पता ही है 1,12,500 जो भी, प्लस उसके ऊपर आपने लगाया होगा बाद में सरचार्ज 15%, डन। देन कंपेयर कैसे किया होगा, पहले 1 करोड़ के ऊपर टैक्स निकाला वही सेम आ गया होगा 1,12,500 27,28,1,200, फिर आपने 10% सरचार्ज लगाया सेम 281,250 प्लस 2 लाख रुपए जोड़ दिए, अगर मैं देख पाऊं एक तो बनता है ये और एक बनता है ये, पर आप देख पा रहे हो फर्क बहुत कम रह गया, फर्क बहुत कम रह गया क्योंकि इनकम भी ज्यादा है ना, आप 2 लाख रुपए इनकम छोड़ने की बात कर रहे हैं जनाब, कहीं 2 लाख का 30% भी करें चलो बुरा लगता है, जैसे कोई बंदा कहे जी कब पीछे पता चला ना मोहाली डेरावासी किसी को लॉटरी निकली है बंदे को, तो अखबार में भी आया एफएम रेडियो पे भी आ रहा है, वो 35 साल से लॉटरी डाल रहा था जी 35 ईयर्स से, और 25 साल का तो खुद होएगा जब जवानी में डाल रहा होगा, 35 साल में, अब 60 साल का वो सही डेरावासी का है, 5 करोड़ की लॉटरी निकली, अब 30% तो सरकार लेगी, अगर देखा जाए तो अमाउंट तो बहुत बड़ी है, 1.5 करोड़ समथिंग और भी सेस लग के काफी ले गई, बट अगला कहता है छोड़ दे 3.5 करोड़ भी, अगर जी लग रहा कहता नहीं नहीं आपा कौन सा मेहनत करिए, लॉटरी डाली है आप जीत गए आपके एफर्ट्स हैं, तो ये चीज यहाँ पे है, आप 2 लाख छोड़ने की बात कर रहे हैं कि मैं आप इनकम छोड़ दूंगा, मैं सोच के देखियो 2 लाख छोड़ने हैं, कहीं 2 लाख का 30% 60,000 बनता, तो ये चीज है, बट हम सिर्फ 60 नहीं देख सकते, उस 2 लाख की वजह से जो 10% फालतू आ रहा है 15% जो फालतू लग रहा है उस अकॉर्डिंग मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, तो आपने कंपेयर किया 3293 इज द लीस्ट, ठीक है 4% लगाइएगा सेस, फिर कर राउंड ऑफ यार है मुझे सारे 34 25 500, कहता जी इनकम बताइए, एक मिनट जी बस, अगर आपकी 1 करोड़ 2 लाख कितनी हो, 50,000 फटाफट चेक करिए बताइए क्या कुछ फैसला चेंज होता है। हाँ जी सेस लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ये तो नाम है ना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसलिए लो जी 1,02,50,000 रुपए का अगर आप करेंगे तो फटाफट मेरे लिए तो गेन वही है, पहला 10 लाख एक तरफ, पहला 10 लाख एक तरफ, 92,50,000 एक तरफ, इसके ऊपर 30% आप जानते हैं, इसके ऊपर 1,12,500 आपको पता है, प्लस बाद में क्या करेंगे अक्षय 15% क्या लगाएंगे सरचार्ज, यहाँ तक की तैयारी करके आप देख लीजिए, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स बताइए कोई डाउट रहे, अंजलि गुण रियान समृति सेजल तेजस एनी डाउट रहे, नो सर ओके गुड, फटाफट कैलकुलेटर चलाइए टैक्स निकालिए और आंसर्स आपके सामने पीडीएफ पे है, प्लीज काइंडली शेयर इट डाउन चेक करते जाइए, कोई डाउट आए तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं बाद में मेरे नंबर पे, बताइएगा 10 लाख का 1,12,500 आ गया, 92,50 का मैं भी कर लेता हूँ प्लस 1,12,500 प्लस 15% बोलो भी क्या आ गया अपना, तो आ गया 3,320,625 गुड गुड गुड, आप चेक करते हैं जी, आप एक बार तो लगाएंगे ना, एक बार तो लगाएंगे और 28,12,500 तो याद ही हो गया यार, 1 करोड़ तक 27 लाख और 28,12,500 प्लस 10% भी याद हो गया प्लस 2,50,000 रुपए, ये बन रहा है 33,43,750। अब मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, आप कहेंगे भाई अपने वाले ठीक है, क्यों अपने वाले का 33 क्या बन रहा था, मैंने 20 बन रहा था भाई, अब ये बन रहा है 43, साफ साफ दिख रहा है, तो आप पंगा नहीं लेंगे, मैं कहूँ सर मुझे मेरे वाला टैक्स ठीक है जो बिना उसके चल रहा था, तो ये रहा एज पर प्रोविजन ऑफ मार्जिन विच एवरेज लेस, तो फिर अब यही निकला, आपको प्रूफ करा दिया और सेस लास्ट में लगाना है, ये रहा जी 34,53,450। गलती पेपर में से क्या होती है, आप सरचार्ज भूल जाते हो मान लो या सेस भूल जाते हो लास्ट में जाके, बस बच्चा वही कंपेयर करके लोअर करके छोड़ाता है, तो कहीं भी गलती हो सकती है, इट्स अ टैक्स लायबिलिटी क्वेश्चंस, फटाफट देखिए, डन है सर, मने हिमांशु हिमा डन है, हिमांशु समझा रहे जी, चल भाई
यहां से बढ़ा दूं बस, ये कर लिया था आपने, रिबेट मैक्सिमम 12,500 फॉर क्या रेजिडेंट, व्हाट मेन है, पेपर में गलती हुई थी अभी वालों को, एचयूएफ को रिबेट दी गई, यहां सिर्फ कौन बनता है इंडिविजुअल, प्लीज ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एंड तक याद रखनी पड़ेंगी। टोटल इनकम अप टू 5 लाख, देखो टोटल इनकम बच्चा कहता सर आपने बोला था एक दिन वर्ड जीटीआई, इट्स अ डिफरेंट थिंग, ग्रॉस टोटल इनकम डिफरेंट होता है, वो सारे हेड्स का सम माइनस करते हैं एक्चुअल में से डिडक्शंस, अभी पढ़े ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा, अभी दिखाऊंगा कुछ अच्छा से दिखाऊंगा कि क्या होता है, कुछ कैच कर पाओ तो अच्छी बात है, वन अगर आपको बाद में तो पढ़ेंगे ठीक है। आगे विद प्रोवाइड टू रिलीव लोअर ब्रैकेट क्या है, एसएससी क्या होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी क्या, इफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो, डज नॉट इनकम 5 लाख से ऊपर हो, क्वांटम ऑफ रिबेट क्या मिलेगा, टैक्स पेबल बाय एसएससी, अब आप किसी को नहीं कहेंगे सर लोअर ही होता है, नहीं सर टैक्स पेबल देखना पड़ेगा, क्या आपकी इनकम लॉटरी है, क्या इनकम अदर सोर्स है, क्या लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, अभी दिखाऊंगा, और 12,500 विच एवर इज लेस, ये हो गया लो। थोड़ा सा कोशिश करता हूं, अगर आप उस चीज पर कैच कर पाए फिर कहूंगा अभी मेरा ये पार्ट नहीं है कि बच्चा दर्जे देके क्लास गए ये कहने सर ने क्या बता दिया क्या आ गया, ये एक बार कोशिश करना अगर आप कर सकते हैं, वरना तक का कोई नहीं, वरना लिव इट ठीक है आराम से, कोई मेरे हिसाब से ये मेरे लिए ओके रहेगा। ध्यान सुनना जी, ग्रॉस टोटल कुछ याद आया, वर्ड ग्रॉस एक मेन अमाउंट है अभी कुछ पेंडिंग है इसके अंदर, वरना डिडक्शन ना हुई, अगर डिडक्शन ना हुई तो ग्रॉस इक्वल टू नेट, ग्रॉस इक्वल टू नेट, आर है इंडिविजुअल है, इनकम है 470 ओके, अभी तक तो हमें यही दिया होता था, पर आज कुछ और बोल रहा है क्या, विच इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 50,000, फिर बच्चे आउट है सर आपने बताया नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस पे, सर जब तक मैं ना बोलूं आप शेयर नहीं बोले, बड़ा स्पेशल है ना वो, स्पेशल है कभी स्पेशल चीजें पहले ही बोली जाती, तो इसको नॉर्मल मानो, सर क्या चक्कर है, फिर इस पे ना टैक्स एक्चुअली डिफरेंट है, इस अमाउंट लॉन्ग टर्म पे टैक्स है 20, लॉन्ग टर्म पे टैक्स है 20, शेयर्स पे लगा, शेयर्स पे लगा, हमने ना पूरे चैप्टर को मानोगे दो पार्ट में बांटा हुआ है, शेयर्स एक तरफ बस एक तरफ ले जो बाकी ऐसे एक तरफ कर दो, उसमें फिर पूछो हाँ भी तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो चार आंसर आते हैं हमारे, शेयर्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, अदर्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो बच्चा बड़े प्यार से सुनता है, अगर मैं रेट लिखाऊं ना आपको रेट याद हो जाएंगे, सोचता द्वारा शेयर्स अभी अनलिस्टेड बोलो, शेयर्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, हाँ भी शेयर अगर शॉर्ट टर्म है 111 है 15% बिना किसी किंतु परंतु के, शेयर्स अगर शॉर्ट टर्म है लिस्टेड है 15%, लॉन्ग टर्म शेयर्स लिस्टेड है 112 है, मैं बता के जाऊंगा 1,00,000 तक माफ है, उसके ऊपर 10%। चलो ज्वेलरी पेंटिंग ड्राइंग्स बिल्डिंग्स लैंड एनीथिंग एल्स कुछ भी जो बाकी बच गया बहुत चीजें हैं उसके लिए 2 पॉइंट, शेयर शॉर्ट टर्म या अगर शॉर्ट टर्म है स्लैब रेट, शॉर्ट टर्म है स्लैब रेट मतलब कहां लाई करते हैं मुझे क्या पता, मान लो कमाई 10,00,000, अब 10,00,000 स्लैब के अकॉर्डिंग वही 2,50,000 माफ 2,50,000 के ऊपर 2,50,000 ये भी है, अगर बिल्डिंग वगैरह है लॉन्ग टर्म कुछ भी ज्वेलरी ज्वेलरी लॉन्ग टर्म है बस तो 20%, तो 20% दोबारा चार रेट है अभी तक जितने मैं आपको कैच कर सकता हूं, पहले तो जो भी कोई बात करे कैपिटल गेन की सर दो मिनट हो जाएगी, कैपिटल गेन को प्लीज एक काम करते हैं दो पार्ट में बांट दीजिए, शेयर एक तरफ अदर एसेट एक तरफ, मैं क्या बांट दिया यार और बोल, शेयर में से 2 है लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग है पहला 1,00,000 माफ है उसके ऊपर 10%, शॉर्ट टर्म है शेयर है 15%, आगे कंडीशन कुछ और भी है अभी बता नहीं पाऊंगा और सुना नहीं होगा, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करना पड़ता है, एसटीटी होता है, कुछ ब्रोकरेज वगैरह खर्चे पानी लगते हैं सेबी के, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में एसटीटी, मैं पूरा नाम तो ये बोला करूंगा, लॉन्ग टर्म शेयर्स हैं एसटीटी पेड है, तो बच्चा कहता है ये क्या बला आ गया, तब मैं पंगा नहीं देता अभी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पता मुझे एसटीटी ओके, अदर्स प्रॉपर्टी है अदर एसेट, शॉर्ट टर्म है स्लैब रेट, लॉन्ग टर्म है 20, तो ये कुछ नहीं बताया तो लॉन्ग टर्म है 20, अभी दिखाऊंगा आगे सुनना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफर टू सेक्शन 115A, हमने जो पढ़ा था वो कौन सा था 111A, तो 115 ही नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब स्लैब रेट, नॉर्मल मतलब शेयर्स वाला होता तो 15 वरना स्लैब रेट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितना है 12, अब आपके लिए तो नॉर्मल है मेरे पैसे आपने मुझे फीस दी मैंने बैंक में जमा कराए बैंक ने मुझे ब्याज दिया तो इट्स अदर सोर्स, इट्स अदर सोर्स, बट सर इतना क्यों बोल रहा है चक्कर है क्या इसका भी, हाँ इसका भी चक्कर है, और डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन थोड़ी सी बता देता हूँ पर समझ तो आएगी नहीं, 80TTA ये सेक्शन का नाम है, 80TTA वो क्या कहता है,
अगर आपकी ए 60 से कम है और आपको सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिलता है, कहाँ कहाँ से? बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव बैंक से? नाम सुने हुए हैं, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, नॉर्मल बैंक। मैं कहा हाँ जी मेरा सेविंग अकाउंट है, मुझे ब्याज मिला। मैं कितना ब्याज मिला? कहते 12,000 और 10,000, विच एवर इज लोअर, उतने रुपए की हम आपको क्या देंगे लास्ट में जाके डिडक्शन, 80 TTA। बच्चा इतना ही सुनता है, वो कहता है सर ये सिर्फ क्या 60 से कम वालों के लिए है? नहीं, 60 से ऊपर वालों के लिए भी है। उसका सेक्शन है 80 TTB, हमारा कौन सा था? TTA, उनका TTB। मैं क्या ये क्या बला आ गई? मैं उनके लिए तो और फायदा कर दिया। क्या हमारे तो सिर्फ सेविंग अकाउंट का ब्याज, उनका तो डिपॉजिट का ब्याज। डिपॉजिट समझते हो, सेविंग का हो, FD का हो, टर्म का हो, पोस्ट ऑफिस, किसी का मिला ले यार। और लिमिट भी मजेदार दे दिया, मानोगे नहीं, जितना ब्याज मिला और 50,000, विच एवर इज लोअर। आपने तो सीधा ही 10,000 है, वो 10 से सीधा। तो ये सीनियर्स के लिए, कि मोस्टली उनके टाइम पे उनके पास FDs होती हैं, सेविंग्स अकाउंट होते हैं, उस पर ब्याज अच्छे मिल जाते हैं उनके पास बैलेंस पे, तो उनको बेचारों को टैक्स क्यों देना पड़े, बेचारे तो कमाते हैं। तो उस पर हमने 50,000 तक डिडक्शन देने की कोशिश करी है। तो ये मैं थोड़ा सा पहले कह रहा, पहले सुन लेना मेरी बातों को, फिर हजम करना कि एकदम से लगे ये क्या बला आ गई टैक्स में। अब धीरे धीरे चैप्टर वाइज जब चलते जाएंगे, वो लेवल आपका इतना हाई बनता जाएगा, तो आपको चीजें छोटी लगेंगी, क्या यार ठीक है सर ने पहले ही बता दी थी क्या चीज है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, वो आगे जाके काफी डीप हो जाएगा, अभी पंगा नहीं दे रहे थे। तो ऊपर से बोला भी नहीं आर कौन है क्या नहीं है, क्योंकि डिडक्शन हम जिसको देंगे कौन सा अपना बंदा होना चाहिए, और रेजिडेंट होना चाहिए हमारा, फॉरनर को इंडिया में पैसे रखे, हमें उससे क्या लालच है? हम उससे बल्कि टैक्स लेंगे ज्यादा, कि तेरा पैसा यहाँ पड़ा, टैक्स लेके जाए इंडिया में, ये चीज है। आगे सुनना, कंप्यूट टैक्स पेयर बताइए, अज्यूमिंग उसने 1,00,000 रुपए युवराज कहाँ डाल दिए? PPF में, याद आ गया, 80C मैंने बताया था, कुछ याद है 80C का? वैसे इसकी लिमिट फिक्स है अक्षय, 1,50,000 रुपए। क्यों सरकार ने फिक्स करी? लोगों को लालच आ गया, लोगों को लालच आ गया कि टैक्स बचाने के चक्कर में आप सेविंग कर सकते हो। साले जितने कमाते हैं सारी सेविंग, बहुत खाओगे क्या? गुरुद्वारे या मंदिर जाओगे लंगर खाने के लिए? ये टैक्स बचाना जी, टैक्स बचाना है। इतना भी सरकार ने मोटिव नहीं किया, क्योंकि मोटिवेट ज्यादा हो जाओ, ठीक है ना। हमने कहा टैक्स बचा सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग सम अमाउंट। हाँ तो पागलों की तरह बच्चा कहता क्या मैं 2,00,000 रुपए इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ? मैं क्या चाहे 3 करो, पर मैं मैक्सिमम बेनिफिट कितने का दूंगा? 1,50,000। फिर आप ज्यादा करोगे भी क्यों? आप ज्यादा करोगे भी क्यों? फालतू है क्या? कोई घर का खर्चा नहीं चलाना आपने, कोई करना राशन पानी बच्चों की फीस वगैरह खर्चा नहीं करोगे? अच्छा फिर पहले FD चलाते हो, FD कराओगे फिर तलवाओगे, क्या पागल है? तो हम अपनी सैलरी का इतना सा पार्ट तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो जब बताऊं, जितने सैलरी वाले लोग होते हैं उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनका प्रोविडेंट फंड ही पहले फुल होता है। 10,000 से 12,000 रुपये महीना तो पक्का है एक नॉर्मल बंदे का, जिसकी सैलरी में आपको कह दूं ना 60,000 BP है, 12,000 रुपये महीने का वो निकाल रहा है। 12 × 12 कर लीजिए साल का, 144 तो ये हो गया, 1,44,000 तो ये हो गया LIC लग से, बल्कि उनका तो 1,70,000 1,80,000 के करीब बनती है 80C। बट सरकार मैक्सिमम आपको कितनी देगी? 150। जो भी आपकी इनकम होगी 150, उसमें से क्या किया जाएगा? माइनस। बट यहाँ तो भाई साहब ने इन्वेस्ट कितने करे हैं? 1,00,000, तो हम 1,00,000 दे देंगे, ठीक हो गया। अलग अलग सेक्शन के डिडक्शन है। अगला पॉइंट, एंड पेड प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ याद आया? कितने रुपए? 15 ATD। अब बच्चा फर्स्ट डे बैठा हो, ये बुक की बस जी बता रहा हूँ, मैं कभी कराता नहीं क्वेश्चन, पहली बार करा रहा हूँ आपको, ये पहले बैच में 4-5 सालों से कभी किसी को नहीं कराया। कारण क्यों? बनती नहीं तो कराने की, ना आपको ATC पता, ना ATD पता, ना TTA पता, ना ही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पता। हमसे ही क्यों एक्सपेरिमेंट शुरू करे सर? मैं इसलिए कि कई ना हर बार नए बैच में बच्चों को लगता है, हर बंदे का अलग टेस्ट होता है, सर ने ये कुछ ना कराया नहीं। मैं भाई इसका कारण ये है, हम थोड़ा सोच के चलते हैं फेस टू फेस में, बस यही कारण है। अगर मैं अपना लेक्चर पहले तैयार रखूँ कि नहीं नहीं आज तो यही पढ़ा के जाना है, फिर तो ये होगा आधों को समझ आएगा आधों को नहीं आएगा, समझ गए? अपने सबको देख के चलना है जो घर बैठे हैं, डाउट रहते भी हैं। तभी मैं क्लास में एक बार जरूर कहता हूँ बार बार, अगर कभी कोई डाउट रह भी जाए आपके मन में, हजारों डाउट उठेंगे अभी, तो अभी चीजें सीखनी है बहुत, पर एक महीने बाद हम स्टेबल हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। जब रिजल्ट आ गया 28 फरवरी तक हम स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि तब तक मैं सब बेस आपका बना दूंगा, आप मेरी बातों को समझना शुरू हो जाएंगे कि वेट कर अभी आने वाली बात, तभी वो पॉइंट कल आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पहले पता है कहाँ डाउट आने वाला है। अगर मैं डायरेक्टली होमवर्क दे दूँ पता नहीं चलना, देखते हैं जो कि क्या कर रहा है ये, TCE TTA क्या लिख रहा है। तो बताना रास्ता पता होगी, ऐसा ऐसा रास्ता आना है तो माइंड मेकअप है। अब इन्होंने करा क्या, देखो इनकम कितनी थी अक्षय? 470 याद है। डिडक्शंस क्या क्या थी जल्दी बोलना? 3 थी, CD TTA याद आई। सी कौन सी थी? अगर मैं थोड़ा थोड़ा आपके लिए लिखूं, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। डी कौन सी थी? हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपको याद, मैंने याद कराया था डी मतलब डिसीज,
अब थोड़ी बात करूं डी के भी आगे तीन सेक्शन 80D है, डीडी है, डीडीबी है, अभी ध्यान दो अभी डी ठीक है, ठीक है। तो टीटीए ये है सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट, अगर आपने ध्यान दिया हो इसने कितना लिखा है अभी युवराज 10, जबकि तुझे सेविंग पे कितना ब्याज मिला है बोल 12, इसलिए मैंने चेक कराया कि बच्चा कहता है शायद सर ने वही लिख दिया सेविंग अकाउंट का, नहीं ऊपर 12 मिला होगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं मैक्सिमम डिडक्शन कितनी दे सकता हूँ 12 और 10, व्हिच एवर इज लोअर, इन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, नीचे करें तो इतना ही बहुत है, तो मैंने 10 दे दिया। हाँ जी अभी इसका 15 है जी, वैसे 25 है, ये तो करीब बेचारा 15 दे रहे हैं, वहां 25 है आपकी फैमिली का, आपकी मतलब मैं अगर बात करूं मेरी मिसेस और मेरा बच्चा तीनों, अगर मैं कल को माता पिता भी साथ में ले लेता हूँ उनका 25 अलग से, उनका 25 अगर वो डिपेंडेंट है, अगर डिपेंडेंट है उनका 25 अलग से, उनकी फैमिली अलग से, 25-25-50 हो गया। दूसरा पॉइंट एक और भी है, अगर उनमें से इधर पेरेंट्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, सीनियर है इधर इधर, मतलब चाहे मदर मेरे चाहे मेरे फादर, तो उनका वही 25,000 वाली लिमिट 30 हो जाएगी, वही 25 वाली लिमिट 30, तो फिर 25 तो मेरा है ही है। तो ये चीजें जब आप पढ़ते जाएंगे धीरे 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 हमारे दिमाग में चलती जाती हैं, तो वही कैच हो जानी है। अब क्या करना है, ये माइनस किया तो इनकम कितनी है युवराज 345, माइनस करने के बाद अब इस 345 पे तूने क्या निकालना है, अब ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल देंगे आप टैक्स निकालना ना, वेट करना पड़ेगा, क्यों सर वो अलग अलग इनकम नहीं थी, अब थोड़ा वही फटाफट शुरू हो गए 2.5 लाख माफ है ऊपर का इतना 5%, नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू वेट इट। ओके क्या लॉन्ग टर्म 50,000 था, इसने कितने परसेंट लगाया अक्षय 20, क्यों नहीं बताया, तो अदर एसेट मैं क्यों शेयर मानू यार, बहुत ऑप्शन लेनी पड़ेगी, शेयर माना, एसटीडी माना पड़ेगा, लिस्टेड मानना पड़ेगा, क्यों भाई इतनी बड़ी एग्जम्पशन क्यों लेंगे आप नॉर्मल मानिए अदर एसेट। तो 50,000 का 20% कितना होगा जल्दी बोलना 10,000, शॉर्ट टर्म कितना था जल्दी बोल, जल्दी बोल 30,000, 115 यहाँ एक वर्टिकल कर लीजिए, 115 नहीं यहाँ 111 है, अगर ये यहाँ पे 15% लगा रहा है तो ये अज्यूम कर रहा है किसके ऊपर है शेयर्स, और इसने यहाँ पे गलती से 115 लिख दिया, यहाँ पे वर्ड क्या था 111, इसके ऊपर मैंने क्या बताया था रेट 15% बिना किसी किंतु परंतु के, तो 30,000 का 15% जल्दी बोलिएगा 45, कैलकुलेटर चलाइए, 3,45 तेरी इनकम थी मेरे भाई, 3,45 में 50 और 30 माइनस कर 80 माइनस कर दो 345 माइनस 80 265, आपको याद होगा मैंने 265 में से ये बची अदर इनकम, हाँ अब बोल अब 2.5 लाख क्या इसमें से माफ है, तो बैलेंस क्या बचा 15,000, उस 15,000 का 5% चेक करिए, मतलब मैं आपको जो बात ना मैंने पहले दिन बताई थी, पहले दिन कि अगर किसी की इनकम यश हम सुने 470, आप एकदम से भावुकों के आंसर नहीं कहेंगे तेरा तो माफी है भाई, नहीं कभी नहीं कहेंगे भाई, आपको जो पता ही नहीं उसके अंदर क्या क्या चल रहा है, 470 में क्या क्या चल रहा है, कितना लॉन्ग टर्म, कितना शॉर्ट टर्म, कितनी लॉटरी, कितनी डिडक्शन, अभी तो तूने डिडक्शन भी दी है तब भी 345, बच्चा कहता अब तो टैक्स पक्का जीरो, भाई 345 पे अब भी तेरा 15,250 बन गया, और तेरा लॉ क्या कहता था जल्दी बोल 87 है, ये मैं बात से नहीं मुकरूंगा क्योंकि इनकम तेरी 5 लाख से कम है, 470 इनकम तेरी, 470 भी छोड़ो तो ग्रॉस थी में तो टोटल चाहिए, टोटल तो 345 भी है, 5 लाख से कतई कम है, तो बस रिबेट कितना 12,500, अब आप कहते हैं फिर तो जीरो हो जाएगा, नहीं 15,750 और 12,500 विच एवर इज लोअर, 12,500 देने के बाद अभी भी कितना बच गया 2750, इसके ऊपर से लगा 4%, इतना टैक्स तो तुझे अभी भी मनिक देना पड़ेगा 2,850, हाँ ये पैदा हुआ तेरा 12,500 तुझे बच गए, पर वो लॉक से बधे हुए हैं, अपन लोग लॉ से कैसे रिलेंगे, लॉ ने साफ कहा हुआ है इंडिविजुअल, मैं कहा हाँ जी रेजिडेंट, वो रेजिडेंट तो हो गई ना मान के चलते हैं, और दूसरा पॉइंट ठीक है बाकी 5 लाख से कम है, मैं कौन से वाली 470, मैं कुदरती मान ले 470 भी 5 लाख से कम हो गया, पर मैं तो डिडक्शंस के बाद वाली इनकम की बात कर रहा हूँ, वो कितनी है 345, कुछ नहीं मैंने थोड़ी सी एक बात एक्सप्लेन करनी चाहिए कि होता क्या है एक्चुअली, क्वेश्चन ये है हमारे पास जब क्लाइंट आता है प्रैक्टिकली ये होता है, वो आके बैठता है अपनी सारी कहानी सुनाता है कि हाँ जी मैं लॉन्ग टर्म भी करता हूँ, आजकल बड़ा ग्रो ऐप नाम सुना होगा आपने, हर पर्सन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हर पर्सन कोई म्यूचुअल फंड में लगा रहा है, कोई थोड़ा पार्ट टाइम कर रहा है, कोई शेयर खरीद लेता है, आईपीओ ले लिए, अब 2-3 दिन बाद लिस्ट हो जाते हैं तो उसमें अच्छे खासे पैसे डबल हो जाते हैं कई आईपीओ, तो फिर बेच देते हैं वो, तो है तो पैसा वो भी कमाया, इट्स अ शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता होता ना, हम कहते हैं कि कौन बनता है तो क्या करता होगा, जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, यहां मोड़ पे हमारे क्लाइंट्स हैं मैडोवर के साथ,
मैं डोबर है ना यहाँ पे पिज्जा पास्ते वाला, उनके साथ ही उनको अंकल बैठते हैं, सरदार अंकल है, नॉर्मल दुकान है, देखेंगे खाली पड़ी दुकान, ज्यादा काम कुम नहीं करते हम, देखते हैं क्या बंदा है वैसे, दुकान लेके बैठा है, रेंट रूंट भी देता होगा, जाओ उसकी अपनी होगी, ये सारा दिन यहाँ पे आके बैठता है, कोई इतना टॉयज टूज रखे हुए एक दो एज ए गिफ्ट हाउस की तरह, बिकता भी नहीं, मैं कभी कस्टमर नहीं देखा वहाँ पे, तो ऐसा क्या सीन है? और रिटर्न भरवाने आए तब पता चला भाव सब वो शेयर का काम करते हैं, उनकी एज देखोगे 65+ है, और आराम से बैठे ना मोबाइल पे ही कुछ ले लिए शेयर, कुछ बेच दिए ना ना करते, मैं कह रहा हूँ जब 50-60 कंपनियों के कोई शेयर ले रखे हैं, कोई बेच रखे हैं, कोई शॉर्ट टर्म है, कोई लॉन्ग टर्म है, तो उसकी पूरी एक्सेल शीट सबने तैयार करी, चल बहुत बच्चे आए, बहुत ऐसे लोग थे जो शेयर में कर रहे हैं, बच्चे बच्चे वो कर रहे हैं, एक होता है एफ एंड ओ, नाम सुना होगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, आजकल बड़ा चल रहा है बीकॉम लेवल के बच्चों को, सीख लेते हैं थोड़ा थोड़ा यूट्यूब वगैरह से, पर करना शुरू करते हैं, आजकल आसान भी हो गया ना, डीमैट अकाउंट आपने सुना होगा, उन्होंने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया और लग गए ट्रेडिंग करने कुछ ना कुछ, पर जैसी अलग नॉलेज है ऐसी ना पंगा लेना चाहिए और पैसे उसे बढ़ जाते हैं, तो आईपीओ वगैरह बहुत बच्चे इन्वेस्ट करते हैं कि एक लॉट भी निकल आया तो कई बार पैसे डबल हो जाते हैं, अलग अपना खर्चा पानी निकाल लेते हैं, जब इसमें क्रिप्टो का बड़ा जोश चला था, एक बच्चे ने क्रिप्टो करके देखी, तो वो मतलब एक सिस्टम है, अब आप तो कुछ भी कर लेते हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन आत बैंक में रही है, तो ये भी ध्यान नहीं दे पा रहे कि इतना हुआ, जब ये बैठे साहब लगाया इनकम वही 4-5 लाख, डिडक्शन देखिए कहते मेरा टैक्स तो जीरो हो जाएगा, मगर सर आपका शॉर्ट टर्म है कुछ लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म तो आपको पता ही है 1 लाख तक माफ है उसको भी 10%, शॉर्ट टर्म पे तो 15 है, जबकि पहली 5 लाख तक लिमिट क्या चलती है 2.5 माफ, अगले 2.5 का पर आपका शॉर्ट टर्म हुआ, शॉर्ट टर्म में तो 15 हो गया, ये तो घबरा गए, ये 40,000 टैक्स बन गया मेरा, मैं कमाई भी तो आपने है, अब लोग सोचते हैं कि हाँ यार कमाई तो गए ठीक है, पर टैक्स नहीं सोचा, टैक्स तो देना पड़ेगा, सरकार ने तभी तो रखा शेयर्स के ऊपर, अब बड़ी इनकम पे जाएंगे और बड़ी इनकम पे जाएंगे तो सरचार्ज भी बीच में लगाया गया, इसलिए तो लगाया, और डिडक्शन बीच में काम करती हैं, ATC और भी धीरे धीरे आएंगी, पर मेन मेन बात करी मैंने डी डिसीज से, हेल्थ इंश्योरेंस आपका परिवार का कितना कितना लिमिट है, TTA सेविंग का, कभी किसी रिटर्न खोल के देखें तो दूर से चमक जाएगा TTA मेरे में लिखेगा आपको, या TDB मेरे में मिल नहीं सकता बिकॉज आई एम पापा सीनियर सिटीजन नहीं है, अगर घर में दादा दादी जिनका सेविंग अकाउंट होगा, अगर वो रिटर्न भरते हैं, अभी पेंशनर मोस्टली केस होते हैं, तो उनकी रिटर्न जाके देखोगे पक्का 80 TTB मिलेगा वहां पे आपको, और उन्हें 50,000 मिलेगा, मतलब वहां रूल क्या है अक्षित, जितना ब्याज और 50,000 विच एवरीज, और ब्याज ही तुझे 30 मिलता है, उनके दादा को दादी को ब्याज ही 30 मिलता है, तो 30 और 50 30, तो 30 नीचे, हाँ तू देखेगा कई बार कि यार ऊपर 30 जोड़ा हुआ है, नीचे 30 माइनस किया हुआ, ये क्या चक्कर, फिर आप किसी को समझा भी सकते हो भाई वो 30 इसलिए जोड़ा है, अदर सोर्स इनकम तो है, तो जोड़ा ही क्यों यार, ये थोड़ा होता है जोड़ा ही क्यों, आप पढ़े लिखे लोग हैं, एक बार तो हेड बनाना पड़ेगा, इनकम में जोड़ा, पर नीचे आके लॉ बीच में आ गया, जिन जिन लोगों ने अगर वो सीनियर है ऐसा ऐसा पैसा कमाया है TTB में, जितना ब्याज कमाया और 50,000 विच एवरीज डिडक्शन मिलेगी, तो इसलिए अब यहां तुमने देखा इनकम ऊपर उसने क्या बोली 12, पर नीचे आके कितना माइनस करा, लॉ ये कहता है 12 और 10, 12 छोड़ो जितना इंटरेस्ट और 10 विच एवरीज पर सेविंग अकाउंट हमारे जैसे, किसमें जी किसमें, फिर 50 जी, पर 12 ही आता मैक्सिमम, फिर मिले ही 12, अब मान लो मिलता फिर 60 मिलता और 50 विच एवरी लोअर 50, ये चीज है, इसमें कहा बच्चा घर जाके एक बार ऐसी देख लेता है, पिछली बार हुआ सर ऊपर 12 नीचे थे, गलत नहीं लिख दिया इसने, आपने भी लिखाया सेविंग अकाउंट, मगर अजय 12 तो मिला है, माफ कितना होगा, जितना मिला और 10 विच एवरेज प्लस, इसके बाद हाँ जी नहीं यहाँ सीनियर कई बात है, 60 वाला ऊपर रखा हुआ है बस वो 50,000 वाले, हर जगह ये डिफाइंड होगा आपको हर जगह, हाँ जी ज्यादा बनती, हाँ कार आना तो पहले ही आउट हो गया था फिर, पर इस क्वेश्चन में तो मुझे पहले ही खुश हुआ कि इस बात की इनकम ही 4,70 है, इनकम ही 4,70 है, बट आप ये कह सकते हैं मनी अगली बार से बिल्कुल सही पकड़ा आपने, कल परसों में प्लानिंग कर रहा था अपने सिस्टर इन लॉ की, उसको 8-9 लाख रुपए सैलरी मिलती है, तो क्या क्या सिस्टम बन सकता है, उसको क्या दिखा दें, कैसे 1.5 लाख उसकी ATC जाती है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस भी है ठीक है, कुछ पैसे TTA में सेविंग अकाउंट का ब्याज मिल जाएगा, या कुछ कोई मैं क्या हाउस प्रॉपर्टी आगे जाके बात करेंगे, लॉस दिखा देते हैं, तो कुछ तो सिस्टम करना पड़ेगा, टैक्स बन जाता है या सैलरी वाले बंदे का, और सैलरी वाला बंदा छुपा भी नहीं सकता क्यों, सारा एक नंबर में आता है, आप 10 लाख कमा के 10 लाख खर्च कर दो हमें चिंता नहीं, हमें टैक्स 10 लाख पे चाहिए, हमने कब कहा कि आपको हमने खर्च कर दिया, जितना प्रॉफिट नहीं चल रहा है अकाउंट नहीं चल रहा, हमें टैक्स 10 लाख पे, अब 10 लाख पे टैक्स आप पड़ी चुके 1,12,500 जी आधा से 1/10 वो ले गए, बंदे को क्या बचेगा, तो हम वो थोड़ा प्लानिंग करते हैं, उसी पॉइंट है कि अगर किसी की इनकम 6 लाख हुई तो
तो तू स्टार्ट कर दे क्वेश्चन एक बार, फिर तू नीचे आएगा, 6 लाख करते करते इसी क्वेश्चन में आ जा। अगर 6 लाख में मैं तेरा ये 3 पॉइंट माइनस भी करता, कितना माइनस करता, 6 लाख में 25,475 मैं फिर भी देता, 12,500 तो फिर भी कोई 4,75 5 लाख से कम है। हाँ ये है कि 4,75 पे टैक्स ज्यादा बन जाता, क्योंकि 80,000 एक तरफ रह गया, फिर 5% भी लगता, फिर टैक्स ज्यादा बन जाता, पर रिबेट रिबेट फिर भी मिले। बस पेपर में ही तो गलती हुई थी बीकॉम वालों से, वहां उसने जान के फंसा लिया। बुक में क्वेश्चन बहुत है रिपीट है, इनकम है बंदे बंदे की 494, बच्चा खुश हो जाता है 494 5 लाख से कम है, हाँ जी रिबेट, वो ध्यान नहीं दिया उसने, बोल दिया HUF, इनकम किसकी है HUF की, ओ बब फ्लो में रेजिडेंट है फलाना है जी ये है जी, वो HUF को रिबेट दिया है, जबकि HUF को तो रिबेट मिलते सिर्फ इंडिविजुअल को है। ये रख लो इंडिविजुअल के लिए सरकार ने, तभी तो कह रहे हैं शायद इस साल बजट में कुछ ऐसा किंतु प्लस माइनस हो, वो ये चंकर ही उड़ा दें, सीधा एग्जम्पशन लिमिट ही कितनी ले जाए 5 लाख, जो 0 से अब 2.5 पढ़ते हो मे बी ऐसा हो जाए, ये चीज है। तो ये रेट याद है, एक्सक्यूज मी सर, हां जी राजी बोलिए सर, जो आपने रिबेट देते हैं 12,500 की, वो ग्रॉस टोटल इनकम चेक कर, ना 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 जी टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शंस, ओके मैंने कहा मान लो जीटे इनकम 6 लाख है, 125 डिडक्शन मिल जाए तो इनकम क्या बचेगी 475, यस सर, हां 475 5 लाख से कम है तब भी रिबेट मिलेगा, ओके डिडक्शन के बाद चेक कर, डिडक्शन के बाद टोटल इनकम व्हाट है वहां पे, ओके सर, ओके जी। लो जी फर्म का रेट 30% याद है, सरचार्ज एक ही है किंतु परंतु नहीं, सीधा ही क्या सरचार्ज है फटाफट देख के खत्म करिए, याद करने पड़ेंगे आपको, मैं पूछूंगा 12% है अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर गई, मार्जिन रिलीफ इसको भी मिलेगा, जहां वही 1 करोड़ 1 लाख आया इसका तो बेचारे का खतरा ही बड़ा है, इसका तो फ्लैट 30 है, वो 10 लाख वाला स्लैब का चक्कर ही कोई यहाँ रखना पेपर में, अगर फर्म का मार्जिन रिलीफ आ गया वहां तो वो स्लैब नहीं है, वहां पे क्या है सीधा 1 करोड़ अगर 2 लाख भी हुआ, सीधा 1 करोड़ 2 लाख का 30 करना है, सीधा टाइप करो 1 करोड़ 2 लाख उसका 30, फिर सोचो क्या बेनिफिट होता है क्या नहीं होता, ठीक है, पर इसके चांसेस हैं पेपर में कम आता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बताया था मैंने असेसमेंट जो है इकट्ठा बड़ा क्वेश्चन जो है सिर्फ एक ही बंदे का है वो है इंडिविजुअल, तो चांसेस है उसी के आने के, ठीक है। हेल्थ चेस्ट इनको भी लगता है कितना परसेंट 4, ले जल्दी आ जाओ डोमेस्टिक कंपनी में आ जाओ, 2 तरह के रेट है, पहले मैं अदर बता दूं, अदर बता दूं 30 जो हर बंदा बोलता है 30, सर ये ऊपर वाला क्या चीज है, वेयर टोटल टर्नओवर या रसीद प्रीवियस ईयर 18 होने, कुछ नहीं सरकार ना आज से, जैसे अभी इस टाइम फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है अभी 22-23 सरकार ऐसी बोल देती है जी पिछले 19-20 में जिस जिस कंपनी की इतनी इतनी टर्नओवर थी या इतनी इतनी रसीद थी, ऐसी रैंडम अगर कुछ बंदे कवर होते हैं तो कर लो, उनके लिए रेट क्या हो जाएगा 25%, क्या बोला, अगर उनकी पिछले साल 18-19 में जो भी 18-19 वो भी कौन सा ईयर ध्यान दिया आपने, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए फाइनेंशियली हो गया, ओके डज नॉट एक्सीड क्या 400 करोड़, तो कहते हैं अगर मान लो मैं 400 करोड़ बहुत ज्यादा यार, मान लो मैं कंपनी हूं 50 करोड़ का काम करता हूं तो मैं 30% पे क्यों जाऊं भाई, 5% बहुत फर्क है, 5% रेट कोई छोटा मोटा नहीं है, प्रॉफिट का 30 देना, अगर 10 करोड़ भी कमाया हो कहीं 25% 2.5 करोड़ सिंपल, कहीं 30% 3 करोड़ उसी 5% 50 लाख बचता है, कोई छोटी मोटी चीज है, सरकार कहते हैं तो बेनिफिट अच्छा जाना चाहिए आपको, बट अगर सरकार को बताया था जहां रेट कम कर रही है वहां कुछ किंतु परंतु भी है, मान लो वहां ये नहीं मिलेगा, वहां डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, एक्चुअली बिजनेसमैन की लाइफ में मेन खर्चा ही कौन सा है, डेप्रिसिएशन, इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आप, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, बच्चा कहता तो बहुत पढ़ लिया सर, प्लस वन में पढ़ा है, फाउंडेशन में पूरा पढ़ा है, मैं क्या वो नहीं है हाँ उससे थोड़ा ऊपर के पढ़ना है, वही होगा रिटन डाउन SLM, नहीं वैसा ही है बट थोड़ा सिस्टम लगा हमारा, या डेप्रिसिएशन लगाने का सिस्टम, इनकम टैक्स के अपने रेट है, हम तो कुछ भी बोलते लगा दो कार पे 20, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे इनके अपने रेट्स हैं, बिल्डिंग पे ये लगा दो, फर्नीचर पे ये, बुक्स पे ये, साइंटिफिक ऑपरेटर्स पे ये, ठीक है एरोप्लेन्स पे इतना, ठीक है ना एयरक्राफ्ट पे इतना, शिप्स पे इतना, सबकी एक अलग अलग लाइफ दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट ये याद होंगे जी, एक्चुअली क्यों आती नहीं रिपीट, काम ही दो आते हैं, प्लांट मशीनरी फर्नीचर पे 10, यही तो आपको याद कराना है, अगर आप सोचेंगे तो इतना कुछ, जैसे हम ना जो SMM पढ़ रहे फाइनल्स में एक ऐसी आप जब पूछ लिया, बच्चे ने पूछ लिया, कहता सर ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, सर ने कहा मानोगे नहीं, जो अपने क्लास बुक की कहता पहले था ये फॉर्मूला है, वो कहता ये फॉर्मूली तो है A.B. में आपने जो भी किया, कहता बच्चे अगर ऐसे इसको फॉर्मूले बोलने लग गए ना हम लोग ऐसे 5,000 हैं, फिर अगला कहता वो कह रही बट ठीक है होगा जवाब मेरा, अगर इसको फॉर्मूला बोलने इसको थोड़ा सा आपको मिथ बनाना पड़ेगा कि ये तो जी पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार बोल बोल के आप सोचोगे स्लैब रेट्स सर बहुत ऐसे, तो फिर तो मैं याद कैसे कराऊंगा, डेली रिपीट डेली इसको पहावन की तरह रीड करनी है, तो ये तो पंडित जी एक्सपर्ट हुए, ऐसी थोड़ा एकदम से याद हो गया सब कुछ,
वो क्या बोल रहे हैं। तो वन डे से मैं तभी कभी नहीं कहता कि याद करो। आप सुनो, जब आप धीरे धीरे इसको सुनेंगे, सेक्शन तो आपको पता भी नहीं, जब मैं बोलना शुरू करूंगा बार बार, हाँ भी ये सेक्शन है, स्कोडिंग है, स्कोडिंग है, आप डेली सुना करेंगे, आप भी उसी ले में ही चलेंगे। बट हो गया ना, एकदम से रिजल्ट नहीं दिखता, हम रिजल्ट एकदम से दिखा भी नहीं रहे। क्यों? अभी थोड़ा वही खुद फंसे हुए चीज में। क्लियर हो जाए, अगले हफ्ते से जब रिजल्ट आ गया खुद फील करोगे तो बिल्कुल चेंज कर दिया, पहले वे क्या चल रहा था, क्या हो गया। कारण क्यों? अब प्रॉपर फॉर्म में आ गए कि अब नहीं डिले करना, अब तो हो गया जो भी सिस्टम है। बट अभी भी चाहते वो चीज क्या है, अब रेट्स लर्न करने आपका काम है, थोड़ा उसको लिंक करना। जैसे मैं टीसी कॉमन बताया, टीडी डिसीज बताया, तो आप कोई भूलेंगे नहीं, वो एंड तक आपको याद रहने वाली चीज की क्या कारण है। तो उसको ये रहा, इसका सरचार्ज है जी 7%, ध्यान देना। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, पर कितने तक? 10 करोड़ तक। वेयर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो रेट क्या है? 12%। दो ही रेट है, 7-12। इस केस में डोमेस्टिक कंपनी मार्जिन रिलीफ यहाँ पे मिलेगा, मैं बात नहीं करूंगा। हेल्थ सेस कितना लगेगा? 4%। फॉरेन कंपनी में टैक्स का रेट क्या, जल्दी बोलना। चलिए, फॉरेन कंपनी में सरचार्ज यहां कम रखा गया, फॉरेन कंपनी पे सरचार्ज कम रखा गया। क्यों सर? टैक्स ही ज्यादा लगा लिया हमने, सीधा 30 से 40 कर दिया। कोई सरचार्ज किसकी परसेंटेज है? टैक्स की। अब टैक्स ज्यादा होगा तो सरचार्ज भी ज्यादा। सुनना, 2% लेंगे अक्षित अगर इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ है, फिर कहता है जी 5% लेंगे अगर 10 करोड़ से। तो मतलब याद रखना, 2, 5, 7, 12, 2, 5 फॉरेन कंपनी, 7, 12 अपनी डोमेस्टिक कंपनी। मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे भी मिलेगा, सेस यहाँ पे भी लगेगा। डन हो गया। अगले रेट दोबारा रिपीट है, यू नीड टू कंटिन्यू इट, आपको करने की जरूरत नहीं है, हमारी सारी ये होगी बात। ये एक वीक में क्वेश्चन है छोटू सा, अगर ऐसे ही दिखा दूं, जस्ट ऐसे देख लो। टोटल इनकम आर की एज लेस देन 60, प्रीवियस ईयर इनकम 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 5 लाख से, ओके बर बताया नहीं कौन सी है, तो नॉर्मल मान ली, ओके। टैक्स पेबल बताइए, आर डज नॉट ऑप्ट, कुछ नहीं, वो सेक्शन लगा के दिखा रहा है 87 है, हम जो कि सीख चुके, क्या सही। लो जी टैक्स निकाल लिए 494,900, मैं अभी बात कर रहा था। तो पहला 2.5 लाख माफ है, पहला 2.5 लाख माफ है। ऊपर कितनी इनकम गई? 244,900, उसका कितने परसेंट करेंगे? 5%, 12,245। रूल क्या कहता है? 12,245 और 12,500 विच एवर इज लेस। तो ये रहा लॉ, ये रहा लॉ, डाउट सही है, यही लेस हो गया अक्षय, ये हो गया 0, खत्म, डन है। अगला क्वेश्चन फटाफट मैं टिक करवाऊंगा, जस्ट क्योंकि मैंने ये सारे टाइप करा के आपको करवा दिया, देख लो, पर आपको ये होगी मेरा चैप्टर कंप्लीट है, बस मजेदार चीज तो ये है। फटाफट, टोटल इनकम, टोटल इनकम इनकम इनकम, एज 60, सीनियर सीनियर रेजिडेंट, पक्का सीनियर, बेनिफिट मिलेगा। अगर आगे नॉन रेजिडेंट बोल देता तो 60 का कोई फायदा नहीं था। प्रीवियस ईयर ये इनकम है 946, कंप्यूट करो टैक्स लायबिलिटी, ओके कंप्यूट करो टैक्स लेवल, अगर वो क्या होती तो एज का बेनिफिट नहीं। अब तो पहली बार तो 3 लाख माफ, याद है 3 लाख माफ, 3 से 5, 2 लाख का 5%, 10,000, और 5 लाख के ऊपर कितना गया चेक करिए, आई थिंक सो 446,300 का 20%, 89,260 प्लस 10,000, सही बोल रहे हो आप, 99,260 ले भाई मेरे, 4% सेस जोड़ दो, अगर पॉइंटों में है तो डन। फिर इसी का आंसर, अगर आप नॉन रेजिडेंट होते तो क्या दिक्कत सर, 12,500 नीचे वाला तो 89,260 ऐड किया, सेस लगाया, तो ये आंसर, डाउट। नेक्स्ट वन, टोटल इनकम हुज एज लेस देन 60, रेजिडेंट लेस देन 60, एज लेस देन 60, रेजिडेंट नॉर्मल, ओके। प्रीवियस ईयर इनकम 1094, कंप्यूट टैक्स पेबल, मैं तो कह रहा हूं शॉर्टकट लगाओ यार, एज लेस देन 60, रेजिडेंट 1094, 1,12,500 का ऐसी हो गया, 94 का 30 आ गया, सबका टोटल किया यश 14,700, इसका रजत 4% सेस जोड़ दे, पॉइंटों में आ रहा, मतलब 328 आ रहा है, तो 330 हो जाएगी, बोलो डाउट। मतलब करवा रखे हैं इसलिए, तो है ना, पहले से ही रेडी रखेंगे अपा, ऐसा कुछ नहीं, डन है। फिर कहता एज ये है, एज लेस देन 60 है, नॉन रेजिडेंट होती, आंसर शुड बी द सेम, एज कम है तो नॉन रेजिडेंट है, स्लैब रेट द सेम। अगला कहता एज 62, ओल्ड एंड क्या होती, रेजिडेंट, अगर 62 होती 3 लाख तक माफ है, 10,000, एक दस 94 का, तो ये लो ठीक है, जोड़ कर बताइए। आप पहले चलेंगे सर, अपा इस पे वर्क कर चुके, 2 लेक्चर पहले ही कर चुके, वर्क
हाँ इसी से कराया था मैंने फिर, मुझे याद नहीं ना उनको बोल दिया कि टाइप कर दीजिए यहाँ से सारी वैरायटी कवर्ड है जहां जहाँ चाहिए मुझे, कोई तो बुक आ जाएगी फिर बुक से करेंगे अपन सिंपल। फिर वही कहता 62 है नॉन रेजिडेंट सेम, तो जो आपका यही तो था क्वेश्चन में लगता है, अगर 80 है रेजिडेंट है, 80 है रेजिडेंट है 5 लाख तक माफ 1 लाख, 1 लाख और 28 जो था 1.5 204% जोड़ के राउंड ऑफ कर देना। कहता आंसर बताइए 80 है नॉन रेजिडेंट सेम 146,330 remains the same of the less than 60, ये आपका होमवर्क है आई थिंक सो, करना लिया हो मुझे पता नहीं। okay, sir. अच्छा इसी में है? मैंने देखा नहीं एक्चुअली, मैं इसलिए बोल रहा हूँ है। गुड 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 बस ठीक है बिल्कुल डन सर अपने एंड पे, बाकी थ्योरी पार्ट हर चीज आपने कुछ भी नहीं करना क्षित में से, डन है रजे, बाकी कुछ नहीं आपने ये पढ़ना क्या कंसेप्ट ऑफ इनकम है, हमें थ्योरी कुछ भी एक नंबर की भी थ्योरी नहीं आनी, कि हम चक्रों में पढ़े आप पढ़ते रहें, साला जी पेपर में दिखाऊंगा कसम से लगा तो ये बस पढ़िए जीटीआई होगा कसम से, नहीं जीटीआई सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग 5 इनकम्स हैं सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीपी कैपिटल गेन, मैं आपको मेन मेन ही बता पाऊंगा सारा नहीं, जैसे एग्रीगेट ऑफ इनकम ये अगला चैप्टर है जिसको बोलते हैं क्लबिंग, ये आ गया क्लबिंग, इसमें क्या होता है प्लानिंग जैसे हम मोस्टली करते हैं प्रॉपर्टी मेरे नाम रेंट मिसिस के नाम तो कर दो कोई दिक्कत नहीं है सरकार कहती है आपकी मर्जी है, बट टैक्स हम आपसे लेंगे, टैक्स आपसे लेंगे मतलब पैसे दिलवाओ जिस मर्जी को, मैं आपके सामने देखो चेक दिलवाया जो मर्जी करो, जो भी रेंटल इनकम है सपोज मान लेंगे वो ट्रांसफर की है नॉट द ट्रांसफरिंग। इसी के साथ फिर क्या चैप्टर आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, अगर थोड़ा समझ पा रहे हैं सेट ऑफ होता है एक घर में इनकम है एक घर में लॉस, तो सर अच्छा नहीं लगता तो पॉजिटिव नेगेटिव कैश फ्लो वाली बात है, कैश फ्लो वाली बात है पॉजिटिव नेगेटिव, सर एक कुछ किंतु परंतु भी करते होंगे ऐसे थोड़ा कोई भी हेड में इनकम कमाई किसी में भी लॉस आ गया नहीं, ये पूरे लॉ है हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो यहाँ नहीं जाएगा, नखरे होंगे पूरे। सर अगर मान लीजिए लॉस 10 लाख है इनकम ही 4 लाख है, लॉस 10 लाख है इनकम ही 4 लाख है, मैं कह दे फिर चार अभी के लिए 4 तो उड़ाई दे, फिर आपको चिंता हो गई जो मेरा लॉस पड़ा 6 लाख का वेस्ट हो जाएगा, नहीं इट्स अ कैरी फॉरवर्ड उसको अगले साल काम ले लेंगे। मैं क्या सर मान लीजिए इतना नेगेटिव है अगले साल भी प्रॉफिट ना हुआ भाई उससे अगले साल ले लेंगे, आप कहते कितना तो इसकी भी लाइफ है किसकी 4 साल किसी की 8 साल किसी की इनडेफिनेट, मतलब दिमाग को बड़ा कीजिए कंसेप्चुअली सरकार आपके साथ खड़ी है एंड तक आप कहेंगे बड़ा लॉजिक ही दिया है, हाँ वैसे ही मन में खराब आ रहा कि नहीं देना टैक्स तो डिफरेंट चीजें हैं वो ना, बड़ा प्लानिंग बड़ा सोच समझ कर आप सेट ऑफ ले लीजिए हाउस प्रॉपर्टी ले लीजिए वहां लॉस क्लेम करिए सेट ऑफ करवाइए, कितना सेट ऑफ करा सकते हैं आप, सैलरी ऐसा हेड है मनी उसमें कभी लॉस नहीं होगा, सैलरी ऑलवेज इनकम, सैलरी कम हो सकती है यार लॉस कैसे होगा, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है ड्यू टू द इंटरेस्ट ड्यू टू लोन, इनकम कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है, इस प्रॉपर्टी की बात करो मेरे ऑनर को रेंटल्स कम आते हैं ब्याज ज्यादा है, 2 करोड़ रुपए अगर लोन भी है अब जा बता दूं मैं आपको 2 करोड़ का 12% ब्याज चल रहा है भाई साहब जी 24 लाख रुपए तो वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे कर रहा है हमारे से इतना रेंट नहीं जाता, 6-7 लाख रुपए मैं देता हूँ 8-10-10 लाख नीचे दे देंगे सेंटर में खुद बैठे हैं 17 लाख रुपए, पर उनको मेन बेनिफिट क्या है इस पे लोन लेके काम करने का कैपिटल एप्रिसिएशन, जो शोरूम ही 3-4 करोड़ का लिया था 6 करोड़ का कैपिटल एप्रिसिएशन इज द मेन थिंग, आपको लगता है रेंट निकलते हैं रेंट तो निकलते हैं ब्याज भी निकलता बढ़िया का था 1% महीने का वो भी निकलता 0.8% ब्याज वो भी निकलता सर, पर बैठी क्यों है लेके एज अ कैपिटल एप्रिसिएशन, जब जी कितने के लिए थी आज कितने क्योंकि बिकेगी 10 साल बाद 15 साल 15 करोड़ का वो बेनिफिट है, अगर आप सोच रहे हैं कि कमाई के लिए बैठे हैं कमाइयां कमाइयां कौन सी होनी है, अब एक बूथ है नीचे 2.5 करोड़ रुपए का बूथ है भाई साहब उसका रेंट अब इतने बड़ा रेंट हो गया बूथ का 60,000 रुपए, मैं क्या मानोगे उसको तो फिर भी कट है उसको फिर भी कट है 60,000 रुपए देता है भाई साल के कितने लेगा 7-20 साल के कितने लेगा 7-20 2 करोड़ का ब्याज आ जाए 2 करोड़ रुपए का मैं जनरल ब्याज भी आ जाऊँ जनरल ब्याज आ जाऊँ 10% ब्याज आ जाऊँ 20 लाख बनता है 7 लाख 20 में मुझे 13 लाख रुपए कट है मेरा, पर बेनिफिट ये है बूथ लिया था 50 लाख का आज हो गया 2.5 करोड़ का कल को 3 करोड़ भी होना है, कोई पंचकुला लिमिटेड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर नीचे बना के और कमा लेंगे वो एप्रिसिएशन कैपिटल एप्रिसिएशन है, रेंट तो निकलती नहीं आज के टाइम पे लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में प्रॉपर्टी में तो सोचते हैं कि इतना पैसा यहाँ लगा के निकलना तो कुछ है नहीं, पर है कि रेकरिंग खर्चा निकल रहा है ऊपर से कैपिटल एप्रिसिएशन होगी दोनों चीजें। तो लास्ट में आता है अपना टोटल इनकम, लिखा कुछ दिख रहा आपको डिडक्शन 80C से कहां तक यश, हाँ काफी है पर मैं मैंने अभी 2-3 ही बात करी थोड़ी सी टीसी डी टीटीए इसके राउंडिंग ऑफ और राउंडिंग ऑफ टैक्स याद है, चलो मेरे एंड पे चैप्टर कंप्लीट है जी, कोई आपका डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बताइए जी।
कोई आपका डाउट हो जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, पहले तो डन है फाइनली, आज एक बार चैप्टर ये कंप्लीट है मेरे एंड पे, ठीक है। पहले आपको जी